हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन एमसीक्यूज प्रैक्टिस लेक्चर सीरीज। टुडे वील मूव फॉर सम नेक्स्ट एमसीक्यूज। लेट अस स्टार्ट। जस्ट सी द क्वेश्चन फर्स्ट। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजिशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन फिगर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई projection of radius vector on rotating particle P. Means there are basically four options which are given over here. You can see that over here you can see this four different options. I would like to correct one option, the two which is not printed over here that I have written. So first and foremost, we have to identify the value of displacement, that is y. So everyone have to identify the basic equation. So what is that basic equation of displacement? That is y is equals to, that is y, so that y is equals to, over here y is equals to a cos omega t, that is the standard formula, and we have to find out the correct answer in terms of this. So just look at over here, option ko pehle aap identify karo, y a cos omega t, mane ye ultimate identification hai. Abhi hum kya karenge, yahan par humko amplitude value define ki hai 3, so 3 wale options kitne hai, 1, 2 or 3. So basically ye second option to nikal gaya. हमारे पास अभी तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? नंबर वन भी निकल जाएगा, क्यों? बिकॉज यहां पर ये माइनस साइन है. सो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड हम क्या कर देंगे, कैंसल. नाउ आइडेंटिफाई थर्ड एंड फोर्थ. अभी थर्ड और फोर्थ को कंक्लूड करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपको यहाँ पर पीरियोडिक टाइम दिया गया है, दैट इज टी. टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. सो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हमारा जो ओमेगा का सिंपल फॉर्मूला क्या है, बोलो, 2 पाई बाय टी का वैल्यू. यहाँ टी की जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे. टी की जगह हम बेसिकली क्या रखेंगे, 4. तो बेसिकली हमारा आंसर क्या मिलेगा, ये 2 2 4 हो गया, तो आंसर मिला पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड. पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड. सो अभी सिंपली पाई बाय 2 किसमें है, ये 3 पाई बाय 2 है और ये पाई बाय 2. सो बेसिकली हमारा इजिली हमारा आंसर मिल गया हमें, तो दैट इज नंबर 4. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए. ए होलो मेटल स्पीयर, होलो मेटल स्पीयर हमको दिया गया है विच इज ऑफ रेडियस आर, यूनिफॉर्मली चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर एट द स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो मेरा तो पॉइंट ये रहेगा आप सबको कि पहले रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा कीजिए, माइंड में सोचिए कि यस, चैप्टर 1 का ये पॉइंट है, गॉस थ्योरम थे उसके एप्लीकेशंस थे, और वो एप्लीकेशंस में से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो सबसे पहले आपको वो कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, या हिंट पहले समझो, ये होलो मेटल स्पीयर दिया गया है और वो एप्लीकेशन में हमने लर्न किया था कि इफ होलो मेटल स्पीयर इज देयर, ऑब्वियसली इनसाइड रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर होलो मेटल स्पीयर होगा तो इनसाइड रीजियन में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. जीरो मीन्स इफ R इज लेस देन कैपिटल R, द टोटल चार्ज इनसाइड द कंसेप्ट वुड बी जीरो. सो फाइनली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो. ये हिंट पकड़िए पहले आप थियरी में से. ओके, चलो अभी जीरो वाले कितने ऑप्शन है वो देखो. इसमें पहले में क्या लिखा है, इंक्रीज इंक्रीज. इसमें क्या है, सेकेंड में जीरो, थर्ड में जीरो, फोर्थ में डिक्रीज. तो मैं क्या बोलता हूँ, ये फोर्थ और ये फर्स्ट, उसको पहले डिलीट कर देता हूँ, एलिमिनेट हो गए. अभी दो आंसर्स देखिए, जीरो जीरो, ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है. ओके, तो हमें रीड करना पड़ेगा पूरा ऑप्शन. जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, ये सही हो गया. उसके बाद क्या लिखा है, डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, ऑब्वियसली. तो हमें उसका जो ग्राफ था ना, वो ग्राफ याद करना है. अभी पूरा अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको बोलूं, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है और उसके बाद ऐसा ग्राफ हमारा अवेलेबल है ऑब्वियसली, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या करता है कि सरफेस के बाहर जाएगा तो वो डिक्रीज होता है, ये सरफेस के इनसाइड की जो वैल्यू हमें ऊपर से मिली जानकारी उसके मुताबिक क्या हो गया, इज इक्वल टू जीरो। सो बेसिकली वी आर गेटिंग ओवर हियर के ग्राफ पर से हमें ई और आर का जो रिलेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें सेकेंड ऑप्शन में क्या मिला कि जैसे जैसे वो आर के बाहर जाएगा उसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा। मींस ऑब्वियसली ये सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें क्या लिखा है डिक्रीज और इसमें क्या लिखा है इंक्रीज, ऑब्वियसली ये भी कैंसिल हो गया और हमारा राइट आंसर हो गया नंबर टू। उसके बाद क्वेश्चन रीड कीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड, यूज किसमें नहीं होगी, एडी करंट इफेक्ट किसमें यूज नहीं होगा, तो सिंपली एक है इंडक्शन फर्नेस, दूसरा है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट और चौथा है इलेक्ट्रिक हीटर। सी मैं आपको यहां पर दो ऑप्शंस देता हूं, माने दो ट्रिक देता हूं। सबसे पहले डिवाइस आपको बोला है, तो डिवाइस ये फोर्थ नंबर का है ना, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर मींस इट रिलेट्स टू द हीटिंग इफेक्ट, मींस इट रिलेट्स टू द जूल, जूल इफेक्ट। तो ऑब्वियसली मैं तो आपको सीधा ही बोल सकता हूं कि ये आंसर फोर्थ नंबर है, दैट इज द करेक्ट वन। बट रिवर्स में अगर हम सोचे, इंडक्शन ऑब्वियसली एडी करंट का कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये दोनों में क्या वर्ड्स प्रेजेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट के वर्ड्स प्रेजेंट है, तो आप कंफर्म भी कर सकते हो ये तीन नहीं है, क्यों नहीं है वो बताया, और ये है वो क्यों है वो भी मैंने आपको डिस्कस किया। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़िए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। सिक्स सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कंसेप्ट को थोड़ा याद रखना है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो ये ईएमएफ सिक्स बोला ना, यस सिक्स सिमिलर बल्ब 1 2 3 4 5 6 ओके आर अटैच्ड विद द डीसी सोर्स। पहले क्या बोला है, द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन ऑफ द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, सब ग्लो करते हो उस टाइम पे उसका पावर रिलेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, ओके दैट इज फर्स्ट। सेकंड में क्या है, इन द सिचुएशन व्हेन टू फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग, माने सेकंड जो है ना उसमें क्या है, टू आर ग्लोइंग फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन इज ग्लोइंग फ्रॉम सेक्शन बी, तो बेसिकली दो पार्ट में ये न्यूमेरिकल को हम डिवाइड कर देंगे, फाइन, और दोनों का जो आंसर आएगा उसका, माने दोनों का जो पावर मिलेगा वो दोनों पावर को हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। सो राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, ऑल बल्ब्स आर गोइंग टू ग्लो, राइट। सो उस केस में सिंपली मैं आपको बोलू तो डायग्रामेटिक कंडीशन में से आपको यहां से आप जाओगे तो ऑब्वियसली ये थ्री पार्टीशन आपको दिख गए, ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सिंपली जाओगे तो अगर फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट सेक्शन की, तो आर इक्विवेलेंट अगर मुझे फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो क्या होगा, आर बाय थ्री प्लस क्या हो जाएगा, आर बाय थ्री हो जाएगा, यस और नो, और वो आर बाय थ्री जो इक्विवेलेंट आया वो बेसिकली क्या मिलेगा बोलो, टू आर बाय थ्री ऐसा मिलेगा। ये फर्स्ट सेक्शन के लिए मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला। सेम वे ये सामने में सेकंड सेक्शन के लिए लिखता हूं, सेकंड सेक्शन के लिए क्या होगा वो आप अच्छी तरह से समझ लो। सेकंड सेक्शन में क्या बोला है कि लुक एट ओवर, फिर से रीड करो तो आइडिया आएगा, व्हेन टू फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए में से दो है, सेक्शन ए में से क्या है, दो बल्ब है, राइट, और सेक्शन सेक्शन जो बी है उसमें से सिर्फ एक है, तो सिंपली यहां पर दो होगा तो हम क्या करेंगे, आर बाय टू आ जाएगा और सामने क्या होगा, सिंपल आर की वैल्यू आइडेंटिफाई होगी। तो उस केस में हमारा जो टोटल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एलसीएम के बाद की जो प्रोसेस है वो सब आपको इजीली पता चली जाएगी, थ्री आर बाय टू यहाँ हो गया, मीन्स वी हैव द फाइनल इक्विवेलेंट इन बोथ द केसेस। सो हमारे पास दोनों केसेस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गए हैं। अभी ये जो केसेस अवेलेबल है उसको हम पावर के इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे,
तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पी इज इक्वल्स टू ई स्क्वेयर अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, क्योंकि हम आर इक्विवेलेंट रखने वाले हैं। तो ये फर्स्ट केस में ये 2R/3 जो हमने फाइंड किया ना, उसको हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की जगह पे रख सकते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा बोलो, ये ई स्क्वेयर लिख दिया, हमारा फॉर्मूला क्या था फिर से एक बार देखो क्या था, 2R/3। तो मैं क्या करूंगा, 2R यहाँ पे लिखूंगा, फिर डिनोमिनेटर टू द डिनोमिनेटर सीधा न्यूमरेटर मैंने लिख दिया, 3E² / 2R हो गया। सेम वे वैसे यहां पर जब आप आइडेंटिफाई करोगे, यहां सामने आइडेंटिफाई करोगे, तो उसका जो पावर है ये सेक्शन 1 के लिए, ये सेक्शन 2 के लिए, राइट, उसका जो पावर है तो वो पावर क्या है अल्टीमेटली यहाँ पर, E² तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ही, राइट, E² स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, तो क्या आ जाएगा, 3R डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर टू द डिनोमिनेटर 2 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो सो हमने 2 लिख दिया, ये हमारा सेक्शन 2 का हमें आंसर यहाँ पर मिला। यस, अभी ये 1 और 2 दोनों का हम क्या ले सकते हैं, रेशियो। सो अल्टीमेटली व्हेन वी हैव द रेशियो ऑफ दिस 2, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। नाउ यू कैन सी दिस, मैंने पूरा इक्वेशन लिखा है, ये पीआई का इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया, 3² / 2R, और पी सेकेंड पोर्शन जो था पावर उसका भी इक्वेशन लिख दिया, तो बेसिकली स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, आर आर कैंसिल हो गया, 3 3 9, 2 2 4, सो द फाइनल आंसर वुड बी 9/4। चलो ऑप्शन ढूंढो, यस इट इज अवेलेबल, सेकेंड नंबर का ऑप्शन है, 9:4 इज अवर फाइनल आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन, एट अ पॉइंट ए ऑन अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डीप इज डेल्टा +25 डिग्री। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है ये, और ये प्लस को मेहरबानी करके मत भूलना, क्योंकि वही आपको आंसर दिलाएगा। एट पॉइंट बी ऑन अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डीप इज -25 डिग्री, वी कैन इंटरप्रिट दैट। देखो, मैं अगर आपको सिंपली ये समझाऊं कि इसका आंसर कैसे सोचना है, उससे पहले एंगल ऑफ डीप क्या होता है वो एक बार याद कर लो। सो बेसिकली एंगल ऑफ डीप मैं आपको सिंपल बोलूं तो इट इज एंगल बिटवीन अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं हम, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनता है उसको हम अल्टीमेटली डीप एंगल बोलते हैं। आपको याद हो ना, तो थियोरी के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है कि डीप एंगल बेसिकली जीरो होता है कहां पर, इक्वेटर पर, पॉजिटिव होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नेगेटिव होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तीन चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है, क्या बोला मैंने, जीरो कब होता है, जीरो जीरो अल्टीमेटली इक्वेटर पर होता है, डीप एंगल प्लस कब होता है, जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, नेगेटिव कब होता है, जब वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, ऐसा डिटेल थियोरी हमने डिस्कस किया था। सोच लो कितनी इजी ट्रिक पड़ती है, इसी ट्रिक के अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम बचा सकते हो और नीट में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो फाइंड करते हैं, ऑप्शन देखे फटाफट, ए एंड बी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न स्पीयर, ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए इज लोकेटेड साउदर्न, ए इज लोकेटेड नॉर्दर्न, क्यों मैंने पकड़ा इसको, ये मुझे थोड़ा फिट बैठता हुआ लग रहा है, हमारी थियरी में ए +25 डिग्री है और वो नॉर्दर्न है, ओके डन विद दिस। चलो उसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, बी इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि बी कितना है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को मैंने ट्रिक क्या दिया था, साउदर्न, ऑब्वियसली एकदम क्लियर हो गया ये ट्रिक पर से। सो अल्टीमेटली आंसर थर्ड वुड बी द फाइनल आंसर। Stay connected with us for our next session for MCQ practice. Thank you.